दीपावली की शुभ बेला में अपने मन का अंधकार मिटाएं, मिठाइयां खाएं, पटाखे जलाएं और दीपों के इस त्योहार को मनाएं। आप सभी को गोरखपुर न्यूज परिवार की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दीपावली के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश वासियों को दी ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं। सभी के मंगल जीवन की कामना। तीन दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वनटांगिया ग्राम वासियों के साथ मनाए दीपावली। गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का किया पूजा अर्चना। मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया गांव जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में मनाई दिवाली। मुसहर समुदाय के लोग भी पहुंचे मुख्यमंत्री संग दिवाली की खुशियां साझा करने। सीएम योगी ने 80 करोड़ रुपए की 288 विकास कार्यों का किया शिलान्यास व लोकार्पण। कहा, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सब तक पहुँचाना ही है रामराज्य। देश के स्वावलंबन का आधार होती है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंचीय कार्यक्रम के बाद यहां विभिन्न विभागों की तरफ से स्टॉलों के माध्यम से लगाई गई प्रदर्शनी का किया अवलोकन। सीएम योगी ने 4 महिलाओं की गोद भराई कराकर बच्चों का कराया अन्नप्राशन। दीपावली के पावन पर्व पर सोमवार की शाम शुभ मुहूर्त में मुख्यमंत्री एवं गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान श्री गणेश, माता श्री लक्ष्मी, भगवान श्री कुबेर और लेखनी माता श्री सरस्वती की पूजन कर की लोक मंगल और नागरिकों के जीवन में सुख समृद्धि की कामना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू विद्यापीठ का किया निरीक्षण। वनटांगिया राम गणेश के घर पहुंचकर दीप जलाकर किया दीपोत्सव का शुभारंभ। लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन पर महानगर में 26 अक्टूबर सुबह 8 बजे से 28 अक्टूबर सुबह 3 बजे तक वाहनों का किया गया रूट डायवर्जन। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, सभी प्रकार के एम्बुलेंस, तीर्थ यात्री वाहन या अन्य इमरजेंसी वाहन नहीं रहेंगे प्रतिबंधित। और दीपावली के अवसर पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बाल शिशु गृह के बच्चों में मिठाई बांटकर मनाई दीपावली। जनपद वासियों को दी दीपावली की ढेर सारी बधाई व शुभकामना। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के अवसर पर कहा कि हम सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं, जिनके मार्गदर्शन में अयोध्या का दीपोत्सव 6 वर्ष पहले शुरू हुआ था, जिसको नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए अयोध्या वासियों को प्रधानमंत्री मोदी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। दीपावली के अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। असंख्य दीपक जो कल अयोध्या में प्रज्वलित हुए थे, यह अयोध्या उत्तर प्रदेश व देश के विकास का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसके साथ देश की भावनाएं, सनातन हिंदू धर्म की भावनाएं जुड़ी हुई थी। उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त हुआ है। दीपावली के अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों से कहना चाहता हूं कि सभी दीपावली का पर्व अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं। इसके अलावा किसी गरीब कमजोर व्यक्ति के साथ जुड़े, जिससे उसकी खुशी दुगनी हो सके। गोरखपुर में दीपावली के अवसर पर वनटांगिया व मुसहर वासियों के साथ दीपावली मनाया है। इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में अयोध्या का दीपोत्सव आज से 6 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ और कल उसे एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उनका सानिध्य अयोध्या वासियों को कल स्वयं प्राप्त हुआ है। आज दीपावली है, मैं दीपावली की मंगल में शुभकामनाएं पूरे प्रदेश वासियों को देता हूं। असंख्य दीपक जो कल अयोध्या में प्रज्वलित हुए थे, यह अयोध्या उत्तर प्रदेश और देश के विकास
का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उसके साथ देश की भावनाएं, सनातन हिंदू धर्मावलंबियों की भावनाएं जुड़ी हुई थी और उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। आज दीपावली है, दीपावली के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों से यही कहूंगा कि हम दीपावली के पर्व को अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ तो मनाएंगे ही, हमें किसी गरीब किसी कमजोर व्यक्ति को भी इसके साथ जोड़ना चाहिए जिससे हमारी खुशी और दुगनी हो सकती है। मैं अभी स्वयं यहां से गोरखपुर जा रहा हूं, वनवासियों के साथ, गिरिवासियों के साथ, बनटांगिया और मुसर जाति से जुड़े हुए लोगों के साथ दीपावली के आयोजन में भाग लूंगा। मैं दीपावली के अवसर पर अभी अयोध्या के पूज्य संतों के साथ यहां पे हम लोगों ने अभी उनके साथ बैठे थे, दीपावली की शुभकामनाएं दी गई और मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को एक बार फिर से हृदय से मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 11 बजे वनटांगिया ग्राम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने ग्रामवासियों को दीपावली पर 80 करोड़ की सौगात दी। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया ग्रामवासियों के घर दीपक जलाकर दीपावली मनाई। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम गुरु गोरक्षनाथ का पूजा अर्चना किया। तत्पश्चात मंदिर में स्थित अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। बुधवार को लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया गांव जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में वनवासियों और मुसहर समुदाय के लोगों के बीच दिवाली की खुशियां साझा करते हुए कहा कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पूरी ईमानदारी से पहुंचना सुनिश्चित होना ही राम राज्य है। केंद्र व राज्य की डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पूरी संवेदनशीलता के साथ देने में जुटी है। इससे बड़ा कोई और राम राज्य नहीं हो सकता जहाँ संवेदना और सुविधाएं एक साथ लोगों तक पहुंचती हों। अयोध्या में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में दीपोत्सव का नया विश्व कीर्तिमान रचने के बाद सोमवार पूर्वाह्न वनटांगिया गांव तिनकोनिया नंबर 3 पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों के लिए 80 करोड़ रुपए की 288 विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। उपस्थित जनसमूह को दीपावली की शुभकामना देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत 8 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर गरीब, किसान, महिला, नौजवान तक शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव पहुंच रहा है। 10 करोड़ गरीबों के शौचालय बनना, 4 करोड़ गरीबों के घर मुफ्त बिजली कनेक्शन, 3 करोड़ को पीएम आवास, 8 करोड़ को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा का आच्छादन और 200 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन लगना जन कल्याण की अभूतपूर्व कामयाबी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिना भेदभाव सब तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और दुख के लिए कोई जगह ना हो, यही राम राज्य है। इसी के अनुरूप सरकार संवेदनशीलता के साथ समरस समाज की स्थापना का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है, समग्र विकास की धारणा तथा लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रही है। सीएम योगी ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही भारत की वास्तविक अर्थव्यवस्था है, यही देश के स्वावलंबन का आधार बनती है। हमारे गांव मजबूत होंगे तो समाज स्वावलंबी बनेगा, गांव विकसित होंगे तो जनपद, प्रदेश और देश भी विकास करेगा, गाँव में बुनियादी सुविधाएं होंगी तो वहाँ का हर तबका लाभान्वित होगा। सीएम योगी ने कहा कि कल अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सानिध्य मार्गदर्शन व उनकी प्रेरणा से आयोजित दीपोत्सव को आप सभी ने देखा होगा। दीपोत्सव जैसी भव्यता और दिव्यता जीवन का हिस्सा है। सत्य, न्याय व धर्म के मार्ग पर चलते हुए दीपावली का पर्व हम सब के लिए परिवर्तन का कारक बनता है और हमें नई ऊंचाई तक पहुंचाने की प्रेरणा प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली का यह पर्व वनटांगिया, मुसहर, थारू, कोल, सहरिया आदि
समुदाय के लोगों के लिए अधिक उल्लास और उमंग का है। कारण आजादी के बाद भी वनचांगिया मुसहर जैसे समुदाय को न्याय व अधिकार नहीं मिला था। उन्होंने कहा कि मैं 15 वर्षों से निरंतर इन लोगों के बीच आता रहा हूँ। वनचांगिया मुसहर लोगों के न्याय की लड़ाई को 2017 में मूर्त रूप तब मिला जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। राजस्व गांव घोषित करने से लेकर जमीनों का पट्टा देने तथा ससम्मान जीवन यापन की व्यवस्था करने की पहल सरकार की तरफ से की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन का स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दीपावली की सार्थकता तभी है जब गरीब के घर भी दिया जले। प्रदेश सरकार इसी मंत्र के अनुरूप कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले वनचांगिया और मुसहर समाज को कौन जानता था। 15 साल पहले जब वनचांगिया लोगों के हक मांगने पर एक तरफ फॉरेस्ट विभाग दूसरी तरफ पुलिस के लोग प्रताड़ित करते थे, बुनियादी सुविधाएं शून्य थी। अगर किसी ने मांग कर दी तो उसे कानून के सिकंजे में प्रताड़ित किया जाता था। अंततः सत्य व न्याय की जीत हुई। वनटांगिया तथा मुसहर समुदाय इसका साक्षी है। उपेक्षित रहे वनवासियों को आज आवास, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सभी सुविधाएं बेहतरीन तरीके से मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के सभी 54 वनटांगिया गाँव में सभी तरह की सुविधाओं का लाभ उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की कि वे अपने आस पास के उन लोगों की मदद अवश्य करें जो किन्हीं कारणों से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पर्व त्योहार एकांकी नहीं वरन सामूहिकता का भाव लिए होते हैं। सामूहिकता का भाव यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए सबका साथ सबका विकास का भाव। इसलिए हम सब की यह कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति पर्व के उल्लास से वंचित न रहे। इस अवसर पर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं। वनचांगिया समुदाय से उन्होंने जो वादा किया उसे पूर्ण कर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ दिया। सीएम योगी भगवान श्री राम की जन्मभूमि का विकास करने के साथ ही उनके सखा निषाद राज के श्रृंगवेरपुर धाम का भी उतनी ही महत्ता से विकास कर रहे हैं। वनचांगिया लोगों के साथ ही मुख्यमंत्री ने नदियों के किनारे रहने वाले मछुआ समाज के दुख दर्द को दूर कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाबी व प्रमाण पत्र, आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड, उद्यान विभाग के लाभार्थियों को प्याज बीज किट, जल जीवन मिशन के प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को टूल किट, युवक मंगल दल के सदस्यों को खेल प्रोत्साहन किट प्रदान किया। इन सभी लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ने दिवाली का उपहार भी दिया। जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 80 करोड़ रुपए की 288 विकास कार्यों के रूप में जिले को दिवाली का उपहार दिया। उन्होंने 34 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से 95 ग्राम पंचायतों के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों तथा 2 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से 62 ग्राम पंचायतों के लिए कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना कार्य का शिलान्यास किया। ये कार्य पंचायत राज्य विभाग की तरफ से कराए जाएंगे। इसके साथ ही 24 ग्राम पंचायतों में परफॉर्मेंस ग्रांच से कराए गए करीब 21 करोड़ 10 लाख रुपए की विकास कार्यों का लोकार्पण भी सीएम के हाथों हुआ। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की तरफ से पूर्वांचल विकास निधि के तहत कराए गए 1 करोड़ 33 लाख रुपए तथा त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत कराए गए 20 करोड़ 46 लाख रुपए के विकास कार्यों को भी जनता को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने सड़क, स्ट्रीट लाइट, स्कूल कायाकल्प, आरओ प्लांट, विवाह घर, कूड़ा प्रबंधन के इन विकास कार्यों को ग्राम विकास का मॉडल बनाया। इस अवसर पर सीएम योगी ने गोरखपुर महाराजगंज के वनचांगिया गांव में रहने वाले नागरिकों राम गणेश, चंद्रजीत, रामदयाल, बलराम, विश्वंभर, जयराम आदि को भी सम्मानित कर दीपावली पर उपहार भेंट किया। समारोह में महापौर सीताराम जायसवाल, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह, बांसगांव के विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान, सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ल, खजनी के विधायक श्री राम चौहान, भाजपा पंचायत प्रकोष्ठ के नेता रमेश सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, चरगावा के ब्लॉक प्रमुख वंदना सिंह, भरोहिया के ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह, जनार्दन जायसवाल, इंजीनियर PK मल, रणविजय सिंह मुन्ना आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए इंजीनियर PK मल ने कहा, Thank you.
विकासशील एवं उन्नति के शिखर की ओर अग्रसर राज्य उत्तर प्रदेश स्वागत वंदन एवं अभिनंदन हार्दिक स्वागत वंदन एवं डॉक्टर विनेश पासवान जी माननीय विधायक संचन्ना आप सभी की हम ईश्वर के चरणों में आराधना के साथ करने के लिए परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माँ भारती के पूजन एवं अभिनंदन परमपिता परमेश्वर के चरणों में संप्रेषित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से विस्तारण का यह कार्यक्रम हमारे पवनपुत हनुमान माँ भारती एवं गुरुदान भारती के साथ गुरु गोरक्ष उपस्थित माननीय मंत्री महोदय का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सर्वप्रथम हम स्वागत के लिए आमंत्रित करेंगे कलिका के द्वारा आप स्वागत करें आमंत्रित करेंगे कि आप माननीय मंत्री महोदय श्री आप उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। स्वागत के लिए एक यह प्राकृतिक भेंट पवन पुत हनुमान की भगवान राम के अन्य भक्त वसुन के द्वारा श्री रणविजय सिंह के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री साथियों बड़े सौभाग्य की बात है लगातार पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री के हैसियत से भी छठी बार बंतानिया में आए हैं। हम आप सभी के तरफ से पूज्य महाराज जी का स्वागत करते हैं वंदन करते हैं अभिनंदन करते हैं। महाराज जी जब से आप मुख्यमंत्री हुए जो कहा गया है जंगल में मंगल आपने इसको चरितार्थ किया है और बंतानिया के लोगों को नया जीवन आपने देने का कार्य किया है। चाहे जहां हमेशा उनको परेशानी होती थी हमेशा भगा दिए जाते थे आपने सांसद रहते हुए भी आंदोलन करके उनकी हक की लड़ाई लड़ी और मुख्यमंत्री होते हुए फिर होते ही तुरंत उनको मुख्यमंत्री आवास प्रधानमंत्री आवास और उनके जमीनों का उनको पट्टा चाहे प्राइमरी स्कूल चाहे पीपीएससी चाहे अंत्योदय कार्ड से आच्छादित करके विद्युतीकरण करा करके उनके मोहल्ले में इंटरलॉकिंग करा करके मित्रों पूज्य महाराज ने नया जीवन देने का कार्य किया है। हम बंतानिया की तरफ से और गौरव सुजन प्रदेश की तरफ से पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में नमन करते हुए सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए आप सभी को दिवाली मंगल में है कामना करके अपनी बारी का प्रणाम देता हूँ। जय हिंद। आज हम लोग माननीय पूज्य महाराज जी को सुनने आशीर्वाद लेने आए हैं जिनके आशीर्वाद से 25 करोड़ की आबादी में एक मछुआ समुदाय के बेटे को जिन्हें कभी पिछली सरकारों ने सड़क पर संघर्ष कर रहा था संघर्ष के दौरान आपकी आवाज उठा रहा था फर्जी मुकदमे ने जेल में डाल दिया था फिर भी महाराज जी ने हमारे इस जीवन को बचाया जीवन दान किया। मेरा मछुआ समुदाय कभी इस समय को नहीं भूलेगा। आपने इतने ही नहीं किया है बन पाए कभी मैं आता था पैसे से चिकित्सक था पादरी बाजार में तो किस तरीके से जंगल में आदिवासी जीवन जी रहा था ये समझा कि अंग्रेजों ने तो क्रूरता की पिछली सरकारों ने उसी अंग्रेजों की नींव पर चल के उन्हें विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर रखा था। मैं धन्यवाद देगा बधाई देगा कि महाराज जी जो कहते उसे करके दिखाते हैं। आपके बीच में जो आपने उन्होंने कहा था उसे करके दिखाया है चाहे वो जो भी राजा रहा हो राजे सुग्राम कराए विकास कराए शिक्षा कराए जब सरकार में नहीं थे उस समय में उन्होंने शुरू की थी शिक्षा में शिक्षा छोड़ने की दूर है जो पीता जरूर है बन पानियों के क्षेत्र में शिक्षा लेना
मैं 2007 में 2015 में बनटानिया के बीच में हमें एक महीना छुपने का जो सपा के सरकारें मुकदमे हुए थे, मैं महाराजगंज के दरगे में रहता था जो 1, 2, 3, 27 ऐसे 28 नंबर से बसे गए, कैसे जीवन जीते थे। लेकिन आज उनके लिए तो बिजली कोई सड़क कोई कुछ नहीं था, वो शाम को 5 बजे खाना बनाकर सो जाते थे, जिस तरीके से लगता था इनके अंदर मानव का कोई गुण नहीं है। लेकिन आज एक दिन महाराज जी की देन है कि आज बनटानिया ग्राम सभाओं का ग्राम सभा राजस्व ग्राम का दर्जा हुआ, एक डालने का दर्जा हुआ, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का आपको दर्जा मिला, आप सभी को तरह दिया। कोटा में जिस तरीके से भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, तो कल से महाराज जी का जो इस गोरखनाथ मंदिर से जो आंदोलन किया था राम जन्मभूमि का, उसे उन्होंने साकार भी किया, राम मंदिर भी बना, आज राम मंदिर बन रहा है। लेकिन उसको दुनिया के पटल पर जिस तरीके से कल महाराज जी ने यहाँ रखा कि निषाद राज कभी यहाँ एक गुरुकुल में पढ़ते थे भगवान राम और निषाद राज, और जब अयोध्या से निकले तो अपने बड़े भाई निषाद राज को गले लगाया था, इन गले लगाए हुए उस प्रेता के इतिहास को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई उस जंगल को मंगल बनाने में कई हजार करोड़ रुपया इस श्रृंगेरपुर धाम को देकर उसको चमकाने का काम किया है। यहाँ भगवान राम और निषाद राज के गले लगे मूर्ति भी लग रही है, कई करने उसको दुनिया के लोग देखने आते थे। आज के दिन में जिस तरीके से गांव के हर जाति हर धर्म हर वर्ग के लोगों के लिए जगह है, ऐसा में सरकार में बैठे रहते बजट में भी प्रावधान किया, दिल्ली से भी 20,000 करोड़ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा में दिया, इनके लोगों के लिए फ्री में बीमा दिया, इनके बच्चों के लिए इनके रोजगार के लिए सब्सिडी की व्यवस्था की गई, और नहीं मैंने कहा तो किसान क्रेडिट कार्ड के तरह मछुआरों के लिए भी क्रेडिट कार्ड, उनके पास खेत बाड़ी नहीं जो अंग्रेजों ने छीन लिया था, फिर भी अगर आधार कार्ड के नाम पर फिशरी क्षेत्र में काम करता है तो 1,60,000 बिना गारंटी के लोन मिलेगा। वो भी अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदमों से अपने आवास मुख्यमंत्री आवास योजना आजाद नगर क्षेत्र से अपने आवास के चाबी को फिर शायद हम आमंत्रित करेंगे श्री राजकुमार जी। इसी क्रम में वाइफ ऑफ रामकरण पृथ्वीशा श्री जी, वाइफ ऑफ श्री रामविलास जगत त्रिपुर में उद्यान को प्राप्त करने के लिए प्याज के लिए देश को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदम सेवा विकास संस्थान लखनऊ से श्री अनिल जी, जल जीवन मिशन के ट्विटर श्री जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इसी पश्चात युवक मंगल दल योजना के लाभार्थी मंच रामपुनी खेल प्रोत्साहन के लिए निषाद जी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कदमों से उपहार प्राप्त करते हुए ग्रामोचार जगत त्रिपुरिया के श्री राम हरीश जिनका सामने बनटनिया क्षेत्र पर सदैव बना रहा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वार्तालाप करते हुए श्री बलराम जी को अपने उपहार को प्राप्त करते हुए उनको देखते हैं श्री जयराम जी। कुल 80 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम अपने कर कमलों से संपन्न करें। साथ ही साथ बांधे अभियंत्रण विभाग गोरखपुर के कुल 7,981.45 लाख की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण कार्यक्रम बटन दबाकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से संपन्न होगा। ठोस एवं तरल आर्थिक प्रबंधन पंचायत भवन में काम उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री संजय निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर के महापौर
सीताराम जायसवाल जी, माननीय विधायक पिपराई से महेंद्र पाल सिंह जी, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक श्री बिपिन सिंह जी, विधायक बांसगांव डॉक्टर मरेश पासवान जी, विधायक सैजनवा श्री प्रवीण शुक्ला जी, विधायक खजली श्री सेवाराम चौहान जी, प्रदेश के पंचायत प्रकोष्ठ के संयोजक श्री रमेश सिंह जी, जिलाध्यक्ष भूमिश्वर सिंह जी, महानगराध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती वंदना सिंह जी, इंजीनियर पी के मल जी, संत गुलाब यादव जी, राम गणेश जी, अभिषेक सिंह जी, जनार्दन तिवारी जी, रण विजय सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख जनार्दन जायसवाल जी, ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह जी और बनपालिया गांव के साथ साथ मुसहर गांव से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाई बहनों, आज दीपावली का पावन पर्व है। मैं इस अवसर पर आप सबको दीपावली की हृदय से बधाई देता हूँ, दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं आप सबकी प्रति व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान अपने घर अयोध्या वापसी की स्मृति में पूरा देश दीपावली के उत्सव को मनाता है। हर घर में दीपक जलते हैं। कल अयोध्या में आप सबने भव्य दीपोत्सव के कार्यक्रम को देखा होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से कितना भव्य उत्सव अयोध्या के अंदर था। यही भव्यता, यही दिव्यता जीवन का हिस्सा है। हम पुरुषार्थ करेंगे, सत्य न्याय और धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो दीपावली जैसे आयोजन हम सबके जीवन में परिवर्तन के कारक बनेंगे। इस प्रकार की भव्यता, इस प्रकार की दिव्यता हमें नई ऊंचाई तक पहुंचाएगी। कार्यक्रम विगत 15 वर्षों से मैं निरंतर यहां पर आता रहा हूं और खासतौर पर आजादी के बाद भी जिन लोगों को न्याय नहीं मिल पाया था और बंटाया और मुसहर जाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई हम लोगों ने आज से 12-15-20 वर्ष पहले प्रारंभ की थी और उस लड़ाई को 2017 में मूर्त रूप देते हुए उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता देने का हो, जमीन के पट्टे का हो, या फिर सम्मानजनक जीवन जीवन यापन करने के लिए शासन स्तर पर एक सकारात्मक पहल को आगे बढ़ाने का। और मुझे लगता है कि सही मायने में दीपावली का एक कार्यक्रम किसी के लिए उत्साह मन का सर्वाधिक सहज सर्वसुलभ अवसर है तो वह पूरे भारतवासियों के लिए तो है ही, लेकिन बंटागया, मुसहर, थारू, कोल, सहरिया जैसी जाति के लोगों के लिए जिन्हें पहली बार आजादी के बाद पहली बार शासन की सुविधाएं प्राप्त होनी प्रारंभ हुई है, उन सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपने देखा होगा कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा
कि दीपावली हमारी ऐसी होनी चाहिए कि गरीब के घर में भी दिया जल सके। हर व्यक्ति अपने परिवार के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ दीपावली मनाता है, लेकिन इन पलटा गया कि मुसावर जाति के लोगों के साथ कौन मनाता। हमने 15 वर्ष पहले इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, उस समय यहां पर कोई आता नहीं था। एक तरफ कांग्रेस के लोग, दूसरी तरफ पुलिस के लोग प्रताड़ित करते थे उन्हें, कोई बुनियादी सुविधा नहीं, न सड़क, न बिजली, न पानी, न राशन, न शिक्षा की व्यवस्था, न स्वास्थ्य की व्यवस्था, न पेंशन की व्यवस्था, न मकान, कुछ भी नहीं। और अगर किसी ने मांग कर दी तो उसको कान में शिकंजे में कस करके खूब प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन अंततः सत्य और न्याय की जीत होती है। ये पंडाजा और दूसर जाति के लोगों ने देखा है, क्या उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, राशन की सुविधा प्राप्त हो गई है, वहां तक बिजली पहुंच गई है, जमीन के पट्टे या तो हो चुके हैं या हो रहे हैं, उनके बच्चों के लिए स्कूल स्थापित हो गया है, उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है, और इसीलिए शासन की सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाना, शासन संवेदनशील हो जाए और उसमें भी सुविधाओं के साथ संवेदनशील हो जाए, इससे बड़ा राम राज्य दूसरा नहीं हो सकता है, और इसे राम राज्य इसी को कहते हैं। जहां बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर गरीब, हर गांव, हर किसान, हर नौजवान, हर महिलाओं को प्राप्त हो सके, और यह आप सबको उपलब्ध हुआ है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं प्रसन्नता है बड़कांडिया के साथ साथ मुसर गांव के लिए और गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्र के लिए 80 करोड़ रुपए से अधिक की 288 परियोजनाओं का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही भारत की वास्तविक अर्थव्यवस्था है। समाज स्वावलंबी होगा, गांव विकास के पथ पर अग्रसर होगा, हमारा जनपद भी विकास के पथ पर अग्रसर होगा, प्रदेश भी विकास के पथ पर अग्रसर होगा, गांव के नागरिक को शासन की बुनियादी सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा, तो समाज का हर तबका उससे लाभान्वित होता हुआ दिखाई देगा। लोकार्पण और शिलान्यास की गई है, इनमें सड़कों के निर्माण का है, साथ साथ यहाँ पे परफॉर्मेंस ग्रांट योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के समग्र विकास का भी मॉडल छिपा हुआ है। इसमें स्ट्रीट लाइट भी है, हाईमास्ट लाइट भी है, आरओ प्लांट भी है, प्राथमिक विद्यालय की कायाकल्प का भी है, आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण का है, अमृत सरोवर का है, विवाह घर का है, डस्टबिन, कूड़ा गाड़ी, सीसीटीवी स्थापना, खेल मैदान, ओपन जिम, स्मार्ट क्लास, ये सभी इसके साथ जुड़ रही है। तो कूड़ा प्रबंधन का उत्तम कार्य ग्रामीण क्षेत्र में कैसे होना चाहिए, यह भी इसके साथ जुड़ रहा है। भाइयों बहनों, आप सबने देखा होगा विगत 8 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में शासन की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को मिला है। याद करिए, 10 करोड़ गरीबों को एक शौचालय मिल जाना, 4 करोड़ गरीबों के घर तक बिजली पहुंच जाना, 3 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जाना,
बहनों, यही वास्तव में राम राज्य है, यही राम राज्य है जिसमें किसी भी प्रकार के दुख के लिए कोई जगह नहीं, शासन की संवेदनशीलता है, शासन के द्वारा समरस समाज की स्थापना का संकल्प है। माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में कल्याण का मार्ग छुपा हुआ है, ये सब उन्हीं भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आज के इस अवसर पर आप सभी दीपावली के अवसर पर अपने अपने घर अगल बगल मोहल्ले में कस्बे में जरूर देखें, कोई भी व्यक्ति वंचित न रहने पाए। दीपावली हर घर में एक दीपक जरूर जले और एक मीठा हर व्यक्ति को खाने का अवसर जरूर प्राप्त हो, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए। यही पर्व का भाव है। हमारे पर्व और त्योहार अकेले नहीं मनाए जाते हैं, एकांतिक नहीं है, इसमें एकांकीपन नहीं है। हमारे पर्व और त्योहारों के पीछे का भाव है, और पीछे का भाव है सामूहिकता का, सभी लोगों को साथ लेकर के सबका साथ सबके विकास का भाव है। और ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं सबको साथ लेकर के हम लोग चले। समग्र समाज के विकास की परिकल्पना को साकार करेंगे, विकास की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के उपलब्ध कराएंगे, तो पर्व और त्योहार भी सामूहिक रूप से मना करके सबको इस खुशहाली का हिस्सादार बनाएंगे और खुशहाली के हिस्सेदार बनाने के क्रम में आज हम सब इस भंटालिया गांव में एक बार फिर से आए हैं। मुझे प्रसन्नता है भंटालिया गांव के लोगों में आज से पहले तो हम लोग आते थे, एक भी जगह एक भी पक्का मकान नहीं दिखाई देता था, आज हर मकान लगभग पक्का बन चुका है या बनने की प्रक्रिया का हिस्सा बना हुआ है। आज से 6 साल पहले यहाँ एक भी सड़क नहीं थी, आज सड़क हर जगह सड़क ही सड़क दिखाई दे रही है। आज से 6 साल पहले यहाँ बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था, आज हर घर पे रात्रि को लाइट जगमगाती हुई दिखाई देती है। आज से 6 वर्ष पहले यहाँ पर किसी भी प्रकार की शासन की सुविधा का लाभ यहाँ के लोगों को नहीं प्राप्त हो पाता था, आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के सभी 54 बटालिया गांवों में शासन की हर सुविधा का लाभ वहाँ के नागरिकों को प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि उन्होंने आज कहा कि पर्व और त्योहार की सामूहिकता का दर्शन है, सभी को साथ लेकर के चले, सभी के साथ मिलकर के चले। अगर कहीं पे कोई अभाव है, कोई गरीबी है, वो बाजार से कोई चीज नहीं खरीद पा रहा है, तो हम उसका पड़ोसी होने की जिम्मेदारी का निर्वहन करें, उसको भी एक दिया बाती देकर के उसके घर में एक दीपक जलाए, उसके बच्चों को भी और स्वयं को भी उसके साथ जोड़ करके उसको मिष्ठान खिलाने में भागीदार बने। प्रदेश के अंदर सभी 25 करोड़ जनता जनार्दन से मैं अपील करूंगा, पर्व और त्योहार की उत्सव और इसके उमंग के पीछे की यही भावना है, और इस भावना के साथ हम सब जुड़ करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं दीपावली की ढेर सारी बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि पर्व और त्योहार के पीछे एक एक दीपक विकास का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, सत्संकल्प का होना चाहिए, अपने समाज के कल्याण का होना चाहिए, अपने गांव अपने कस्बे की स्वच्छता का होना चाहिए, विकास का होना चाहिए, समृद्धि का होना चाहिए। इस समृद्धि और विकास की प्रक्रिया का हिस्सा हम सब बन सके, इस विश्वास के साथ
दीपावली में सभी सावधानी बरतते हुए हम सब इस पर्व और त्योहार को मनाएंगे। आप सबकी प्रतिनिधि शुभकामनाएं। विकास की 288 परियोजनाओं के लिए बनकांजा गांव के साथ साथ पूरे जनपद वासियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। प्रदान करें कि आज के इस क्षेत्र में सभी लोगों के साथ आपका आप बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि पूज्य महाराज जी इस घने जंगल के बीच में अंधकार में प्रकाश का दीपक जलाने पिछले 15 वर्षों से आते हैं यहाँ पे दीपावली मनाने। जिस समय हर लोग अपने घर परिवार के बीच में दीपावली मनाता है उस समय पूज्य महाराज जी इस ऐसी बस्ती जो विकास से कोसों दूर थी उनके बीच में दीपावली मनाते हुए जब से मुख्यमंत्री हुए हैं यहाँ पे विकास की गंगा बह गई है। तो ये इस क्षेत्र के वासियों के लिए बनटांगिया ग्राम के वासियों के लिए बहुत ही एक अद्भुत चीज़ है और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। ये बहुत ही खुश हैं यहाँ के लोग पूज्य महाराज जी को मुख्यमंत्री के रूप में बाकी ये पिछले 14 साल हो गए उनको यहाँ आते हुए दीपावली के दिन यहाँ बिताते हो। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। दीपावली के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश वासियों को दी ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं। सभी के मंगल जीवन की कामना। तीन दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वनटांगिया ग्राम वासियों के साथ मनाए दीपावली। गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का किया पूजा अर्चना। मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया गांव जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में मनाई दिवाली। मुसहर समुदाय के लोग भी पहुंचे मुख्यमंत्री संग दिवाली की खुशियां साझा करने। सीएम योगी ने 80 करोड़ रुपए की 288 विकास कार्यों का किया शिलान्यास व लोकार्पण। कहा, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सब तक पहुँचाना ही है रामराज्य। देश के स्वावलंबन का आधार होती है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंचीय कार्यक्रम के बाद यहां विभिन्न विभागों की तरफ से स्टॉलों के माध्यम से लगाई गई प्रदर्शनी का किया अवलोकन। सीएम योगी ने 4 महिलाओं की गोद भराई कराकर बच्चों का कराया अन्नप्राशन। दीपावली के पावन पर्व पर सोमवार की शाम शुभ मुहूर्त में मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान श्री गणेश, माता श्री लक्ष्मी, भगवान श्री कुबेर और लेखनी माता श्री सरस्वती की पूजन कर की लोक मंगल और नागरिकों के जीवन में सुख समृद्धि की कामना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू विद्यापीठ का किया निरीक्षण। वनटांगिया राम गणेश के घर पहुंचकर दीप जलाकर किया दीपोत्सव का शुभारंभ। लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन पर महानगर में 26 अक्टूबर सुबह 8 बजे से 28 अक्टूबर सुबह 3 बजे तक वाहनों का किया गया रूट डाइवर्जन। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, सभी प्रकार के एम्बुलेंस, तीर्थ यात्री वाहन या अन इमरजेंसी वाहन नहीं रहेंगे प्रतिबंधित। दीपावली के अवसर पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बाल शिशुगृह के बच्चों में मिठाई बांटकर मनाई दीपावली। जनपद वासियों को दी दीपावली की ढेर सारी बधाई व शुभकामना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंचीय कार्यक्रम के बाद यहां विभिन्न विभागों की तरफ से स्टॉलों के माध्यम से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी के जरिए लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही थी। उन्होंने कुछ स्टॉलों पर रुककर वहां मौजूद लोगों से जानकारी भी ली। इस दौरान उन्होंने बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के स्टॉल पर 4 बच्चों का अन्नप्राशन कराया और उन्हें खूब दुलारा। सीएम ने बच्चों के पोषण पर ध्यान देने की सीख देते हुए कहा कि ये बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं, ऐसे में उनके स्वास्थ्य और पोषण को लेकर सजग रहने की जरूरत होती है। सीएम योगी ने 4 महिलाओं की गोद भराई कराकर उन्हें उपहार प्रदान किया। आगे परिवर्तन का
मंत्री के द्वारा आज लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का, विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया जाता है। पर बैठे माननीय मुख्यमंत्री महोदय आवास विभाग के स्टॉल के निरीक्षण के उपरांत कैमरा कौन है सम्मानित जनप्रतिनिधि के सानिध्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय निरीक्षण करते हुए हमारी मीडिया वालों से भी अनुरोध है कि आप सभी मिष्ठान लेने के बाद ही आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। प्रशासन संबंध की ओर से मिष्ठान की व्यवस्था की गई है, स्नैक्स और मिठाइयाँ आप लेंगे। अभी भी नीचे की तरफ बहुत लोगों ने खिलिया लानी है, मैं आपसे अनुरोध है कि थोड़ा सा ध्यान रखें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे अनुरोध है कि थोड़ा आप सभी जैसे आज बहुत खुशी के साथ हम लोग और हमारा पूरा वनटांगिया गांव माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दीपावली मनाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत ही विकास कार्यों का सौगात भी दिया गया है, सड़क नाली तमाम चीज़ों का। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और साथ ही पूरे जनपद एवं प्रदेशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। कितने सालों से मुख्यमंत्री आते हैं और यहाँ आने के बाद कुछ घरों में भी जाते हैं वो? माननीय मुख्यमंत्री जी 2007 से जब सांसद हुआ करते थे तब से आते हैं और लगातार बनटांगिया के लोगों के बीच में ही दिवाली मनाते हैं। पहले कैसा बनटांगिया था और उनके आने के बाद? 6 सालों में तो बनटांगिया की तस्वीर बदल गई। पहले तो पिछली सरकारों ने कभी कोई सुधि नहीं ली, ना इनके पास कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं था, ना स्कूल थे, ना बिजली, आवास, शौचालय, राशन कार्ड, कोई मूलभूत सुविधा नहीं थी। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हुए तब से विकास की गंगा बनटांगिया में बह गई है। मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के पावन पर्व पर सोमवार की शाम शुभ मुहूर्त में गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर स्थित मठ में विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान श्री गणेश, माता श्री लक्ष्मी, भगवान श्री कुबेर और लेखनी माता श्री सरस्वती की पूजा कर लोक मंगल और नागरिकों के जीवन में सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मंदिर के मुख्य पुरोहित पंडित रामानुज त्रिपाठी, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी, डॉक्टर रोहित मिश्र, पुरुषोत्तम चौबे, विनय गौतम, नित्यानंद तिवारी, शुभम मिश्र, शशांक पांडे आदि उपस्थित रहे। सुगंधे पतिवेदना
जंगल तीन कोनिया नंबर तीन में विभिन्न विभागों की तरफ से स्टालों के माध्यम से लगाए गए प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू विद्यापीठ का निरीक्षण किया। बच्चों को मिठाई व अन्य उपहार दिए। इसके बाद वनचांगिया राम गणेश के घर पहुंचे। घर के बाहर सजाई रंगोली के बीच दीप प्रज्वलित कर समूचे गाँव वासियों के लिए दीपोत्सव का शुभारम्भ किया। बच्चे पढ़ रहे हैं सभी बच्चे। कौन क्लास में? अब तो यहाँ स्कूल खुल ही गया है। खुल गया ना बैठ जाओ। उधर से उधर जाइए। बलराम राजा मुखिया वनटांगिया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये छठवीं बार हो गया जो हर्षोल्लास से आगे दीपावली मनाते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को मिठाइयाँ बांटते हैं, पूरे जन सैलाब उमड़ जाता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इनकी दुआ से तो हम लोग को 100 साल में राम राजा स्थापित हुआ, जो कि घर द्वार सबके बिजली पानी स्कूल पेंशन सब कुछ हो गया है, कुछ कमी नहीं। उनके आने से हम लोग को और फायदा ही होता है, वो भी दीपावली के मुख्य अवसर पर, जो 2017 में दीपावली के ही दिन हम लोग को अधिकार पत्र मिला था, जो महाराज जी की देन है। आप घर में जलपान भी करते हैं? जी हाँ, जलपान कराते हैं। जलपान करते हैं, जैसे मतलब वो खीर भी खाते हैं और पानी में काजू किशमिश और जलपान ही होता है, और कुछ नहीं। बात भी करते हैं तो क्या करते हैं? बात की हाल चाल पूरे लेते हैं, पर गांव के लेते हैं कि देखो कहीं कोई भी दिक्कत न होने पर, कोई समस्या हो तुरंत हमसे बात करो। लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन पर महानगर में 26 अक्टूबर सुबह 8 बजे से 28 अक्टूबर सुबह 3 बजे तक महानगर में समुचित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहनों का रूट डायवर्जन किया गया है, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि लखनऊ से गोरखपुर आने वाले भारी वाहन लक्ष्मी गणेश प्रतिमा विसर्जन की समाप्ति तक नौसड़ से डायवर्जन किया जाएगा। यहाँ से वाहन बागागाड़ा रामनगर करजहाँ 4 लेन होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। वाराणसी आजमगढ़ मऊ एवं बड़हलगंज की तरफ से आने वाले भारी वाहन को नौसड़ से डायवर्जन किया जाएगा। यह वहां कालेसर होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। देवरिया से गोरखपुर आने वाले वाहन रामनगर करजहाँ 4 लेन
बाघागाड़ा होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे तथा शहर की तरफ प्रवेश वर्जित रहेगा। वहीं दुर्गाबाड़ी, अलीनगर, बख्शीपुर, टीपी नगर, राप्ती नदी के पुल के मार्ग पर किसी प्रकार के चार पहिया वाहन एवं तीन पहिया वाहन का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। घोष कंपनी से नखास तक तथा घोष कंपनी से रेती चौक तक सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। वहीं अलहदादपुर तिराहा से घंटाघर तक सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। नारमल से बर्फखाना हासपुर तक के सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। लालडिगी से रेती चौक तक के सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे तथा फलमंडी चौराहे से राजघाट पुल की ओर जाने वाले सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के एम्बुलेंस, तीर्थयात्री वाहन या अन्य इमरजेंसी वाहन उपरोक्त नियम के अनुसार उनको जाने दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, नमस्कार सभी को दीपावली, भैया दूज और गोवर्धन की शुभकामनाएं। लक्ष्मी गणेश प्रतिमा विसर्जन के अवसर पर शहर में यातायात डायवर्जन किया गया है। शहर में बाहर की तरफ से आने वाले भारी वाहन लखनऊ संत कबीर नगर की तरफ से आने वाले या बनारस, आजमगढ़, मऊ, बड़हलगंज से आने वाले सभी वाहनों को नौसड से बाहर की तरफ बाहर को डाइवर्ट किया गया है। ये वाहन बाघागाड़ा, रामनगर, करजहाँ, फोलेन होते हुए अथवा कालेश्वर होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। इसी प्रकार फरेंदा, महाराजगंज की तरफ से आने वाले वाहन बरगदवा तिराहे से फर्टिलाइजर तिराहा, झुगिया, कौवाबाग, फातिमा अस्पताल, चौकी बाईपास, चार फाटक ओवरब्रिज और मोहद्दीपुर होते हुए अपने गंतव्य के लिए जाएंगे। इसी प्रकार शहर में आंतरिक डायवर्जन भी किया गया है। आंतरिक डायवर्जन में शहर के मुख्य बाजार की तरफ और विसर्जन स्थलों की तरफ आने वाले, राप्ती नदी की तरफ जाने वाले सभी प्रकार के वाहनों को प्रतिबंधित किया गया है। दुर्गाबाड़ी, अलीनगर, बख्शीनगर, जुगनू तिराहा, टीपी नगर, राप्ती नदी के पुल की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। घोष कंपनी से नखास तथा घोष कंपनी से रेती चौक तक सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। इसी प्रकार अलादातपुर तिराहा से घंटाघर की तरफ और नॉर्मल टैक्सी स्टैंड से पांडे हाता और घंटाघर की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। हिमायूपुर रेलवे ओवरब्रिज से गंगे चौराहा, अलीनगर, बख्शीपुर की तरफ, अग्रसेन तिराहा से बख्शीपुर की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। विजय चौक से अलीनगर, रतनलाल, चरणलाल चौक की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। घासी कटरा, मिर्जापुर, लाल डिग्गी से बख्शीपुर की तरफ सभी प्रकार के वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। लाल डिग्गी, गीता प्रेस, रेती चौक की तरफ जाने वाले सभी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। फल मंडी चौराहा से राजघाट पुल की तरफ जाने वाले सभी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे। ये सारा प्रतिबंध एम्बुलेंस, तीर्थयात्री वाहनों और अन्य इमरजेंसी वाहनों पर लागू नहीं होगा। ये डायवर्जन 26 तारीख के लिए प्रातः 8 बजे से 28 तारीख के लिए प्रातः 3 बजे तक लागू रहेगा। सभी से अनुरोध है कि किसी भी असुविधा से बचने के लिए तथा लक्ष्मी गणेश प्रतिमा विसर्जन वाले श्रद्धालुओं के लिए समुचित मार्ग व्यवस्था देने के लिए सभी से अनुरोध है कि इस मार्ग व्यवस्था के डायवर्जन में सहयोग करने का कष्ट करें। धन्यवाद। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने जेल रोड स्थित बाल शिशु गृह के बच्चों में मिठाई बांटकर दीपावली मनाई, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि दीपावली के अवसर पर निर्देशित किया गया था कि बच्चों के साथ दीपावली मनाएं, जिसको देखते हुए एशियन सहयोगी संस्था द्वारा बच्चों को पाला जाता है या बच्चे वह लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनको रेलवे स्टेशन पर उनके गार्जियन द्वारा छोड़ दिया जाता है, उन बच्चों को लाकर संस्था द्वारा पाल पोस कर बड़ा किया जा रहा है। यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस संस्थान द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है जो कि बच्चों की देखरेख कर रहे हैं। इस अवसर पर शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, हेलो जी, हैप्पी दीपावली। अनुराधा, क्या नाम आपका? हैप्पी दीपावली।
अमन आपका गणेश कृष्णा नाम का ही फर्क पड़ता है। माय नेम इज कृष्णा टू, मेरा नाम कृष्णा है। स्कूल जाते हो? कौन से स्कूल में? कहाँ पे है ये? क्या नाम है तुम्हारा? मोहन। क्या नाम आपका? आपका लाडली। हम कुछ बोल रहे हो? हैप्पी दिवाली। क्या नाम है तुम्हारा? हैप्पी दिवाली। दवा खाइए। शुभम अब है बोलो। हैप्पी दिवाली। हैप्पी टोटल इतने हैं ना? नवंबर आ रहा है, इनका ध्यान रखने के लिए मतलब आया है। ये मतलब कहीं हॉस्पिटल में या कहीं जिसमें नहीं बच्चा नहीं रहता है इसके पांव का प्रॉब्लम है? नहीं नहीं वो अब चलने लगी है ना। अच्छा इसलिए जी। जैसे तो पानी के अंदर है, पेड़ के ऊपर है या गला काट के फेंका गया है? अच्छा इस तरीके ऐसे में कोई कायदे का मतलब जगह पे नहीं। दिवाली के अवसर पर बच्चों को दिवाली मनाने पर क्या संदेश देना चाहेंगे? आज दीपावली के शुभ अवसर पर प्रशासन द्वारा आज जो निर्देशित किया गया था उसके साथ साथ एशियन सहयोगी संस्था जो गोरखपुर में है बच्चों के एडॉप्शन एजेंसी के लिए बच्चों को यहाँ पे पालते पोसते भी हैं। ये वो लोग हैं जो जिनका कोई सहारा नहीं है, ये वो बच्चे हैं जिनको रेलवे स्टेशनों पर उनके पेरेंट्स द्वारा छोड़ दिया जाता है, झाड़ियों में फेंक दिया जाता है। उनको इतने अच्छे वातावरण में एशियन सहयोगी संस्था इनको रख रही है। दीपावली के अवसर पर मुझे इनके साथ रूबरू होने का मौका मिला एवं संस्था जो चला रहे हैं उन लोगों से भी बातचीत की और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि समाज सेवा करने वाले इस प्रकार के लोग समाज को प्रतिदिन एक नई दिशा में अग्रसर कर रहे हैं और इन बच्चों का सुनहरा भविष्य बनाने में सहयोग कर रहे हैं। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दीपावली के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश वासियों को दी ढेर सारी बधाई व शुभकामनाएं, सभी के मंगल जीवन की कामना। तीन दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वनटांगिया ग्राम वासियों के साथ मनाए दीपावली। गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर गुरु गोरखनाथ का किया पूजा अर्चना, मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। सी
सीएम योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया गांव जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में मनाई दिवाली। मुसहर समुदाय के लोग भी पहुंचे मुख्यमंत्री संग दिवाली की खुशियां साझा करने। सीएम योगी ने 80 करोड़ रुपए की 288 विकास कार्यों का किया शिलान्यास व लोकार्पण। कहा, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सब तक पहुँचाना ही है राम राज्य। देश के स्वावलंबन का आधार होती है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंचीय कार्यक्रम के बाद यहां विभिन्न विभागों की तरफ से स्टॉलों के माध्यम से लगाई गई प्रदर्शनी का किया अवलोकन। सीएम योगी ने 4 महिलाओं की गोद भराई कराकर बच्चों का कराया अन्नप्राशन। दीपावली के पावन पर्व पर सोमवार की शाम शुभ मुहूर्त में मुख्यमंत्री एवं गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान श्री गणेश, माता श्री लक्ष्मी, भगवान श्री कुबेर और लेखनी माता श्री सरस्वती की पूजन कर की लोक मंगल और नागरिकों के जीवन में सुख समृद्धि की कामना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू विद्यापीठ का किया निरीक्षण। वनटांगिया राम गणेश के घर पहुंचकर दीप जलाकर किया दीपोत्सव का शुभारंभ। लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा विसर्जन पर महानगर में 26 अक्टूबर सुबह 8 बजे से 28 अक्टूबर सुबह 3 बजे तक वाहनों का किया गया रूट डायवर्जन। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, सभी प्रकार के एम्बुलेंस, तीर्थ यात्री वाहन या अन्य इमरजेंसी वाहन नहीं रहेंगे प्रतिबंधित। दीपावली के अवसर पर एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बाल शिशु गृह के बच्चों में मिठाई बांटकर मनाई दीपावली। जनपद वासियों को दी दीपावली की ढेर सारी बधाई व शुभकामना। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।